प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने छंद के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने जाना कि छंद किसे कहते हैं, छंद का क्या महत्व है और छंद की परिभाषा जो थी उसमें जो तकनीकी शब्द थे जैसे वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, दल का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। आज की कक्षा में हम एक तकनीकी शब्द और है गण, जिसका वर्णिक छंद सीखने में बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गण क्या होता है, गण कितने प्रकार के होते हैं, गण कैसे बनते हैं, उनका लक्षण, उनका स्वरूप क्या है। उसके पश्चात हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गण। प्रिय विद्यार्थियों, गण शब्द का अर्थ है तीन वर्णों का समूह। तीन वर्ण जब मिलकर कोई शब्द बनाते हैं, शब्द होना भी आवश्यक नहीं है, तीन वर्ण कोई हो, कोई भी तीन वर्ण, वो परस्पर जब मिलते हैं तो एक गण बनता है। जैसे मेरा नाम है निर्मल, तो निर्मल में तीन वर्ण हैं तो ये गण हो गया। जैसे एक शब्द है आराधना, अब आराधना में चार वर्ण हैं तो इसके प्रारंभिक जो तीन वर्ण हैं आ रा ध, यह एक गण हो गया, है ना। तो जैसे एक शब्द है स्वावलंबन, स्वावलंबन में स्वा व और ल, ये तीनों मिलकर एक गण बन गया। तो तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है, पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में काव्यशास्त्र में गणों की संख्या आठ मानी गई है और इसका एक गण सूत्र है जो आपको स्थायी रूप से याद रखना है, और ये गण सूत्र याद करने के पश्चात ही आप गण सीखने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम गण सूत्र देखते हैं। गण सूत्र लिखा है य माता राज भानस लगा, य माता राज भानस, यहाँ तक हमने एक शिरोरेखा से इस शब्द को, इस वर्णों के समूह को हमने लिख रखा है, य माता राज भानस, इसके ऊपर एक शिरोरेखा लगा रखी है और लगा इस पर अलग से शिरोरेखा लगा रखी है। इसका भी एक कारण है, ये तकनीकी रूप से आपको समझना पड़ेगा। य माता राज भानस में य म त र ज भ न स, ये सब गण हैं। टोटल देख लीजिए आप, य म त तीन, र ज भ छ, न स आठ, ये आठ गण हो गए। यानी यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, और अंत में जो ल और गा है, ल का अर्थ है लघु और ग का अर्थ है गुरु, है ना। अब हम गण कैसे बनाएंगे, पहले देखिए मैं अगले संप्रत्यय की तरफ जाऊं, उससे पहले मैं आपको गण बनाना सिखाता हूं। जैसे ये जो सूत्र है य माता राज भानस लगा, इसमें प्रारंभिक तीन वर्ण हैं य माता, तो ये पहला गण हो गया यगण। यगण जो है उसका स्वरूप क्या हो गया, य माता। उसके बाद में य के बाद में आता है म, तो ये दूसरा गण हो गया मगण। अब मगण का स्वरूप क्या होगा, तो यहाँ मगण इस गण सूत्र में माँ से शुरू करेंगे और उसके बाद के दो वर्ण और लेंगे मा तारा, तो मगण का लक्षण या स्वरूप क्या हो गया, मा तारा, ठीक है। उसके बाद में है तगण, तो तगण का हो गया, तगण में ता के बाद में दो वर्ण लेने हैं ताराज। फिर आ गया रगण, रगण में भी हमें रा के बाद दो लेने हैं राजभा, ठीक है। उसके बाद में आ गया, रगण के बाद में आया जगण, तो जगण में भी ज के बाद में दो लेने हैं ज भान। फिर आया भगण, भगण में भा के बाद में हमें दो वर्ण लेने हैं भानस,
एक मिनट, वापस चलते हैं उसी स्लाइड की तरफ। फिर नगण, नगण में देखिए न के बाद में स और ल आएगा, न स ल, तो नगण का लक्षण हो गया न स ल। फिर सगण, सगण में स के बाद में है ल गा, तो स ल गा। अब हम इसको समझते हैं अगली स्लाइड में। देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर इधर एक तरफ क्रम संख्या दे रखी है, फिर गण का नाम है। गण वो आठ हैं जो भी हमने बोले, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो कॉलम है वो है लक्षण का। लक्षण में हम ये देखेंगे कि यगण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमने सूत्र में देखा था य के बाद में आता है माता, तो यमाता, यमाता लक्षण हो गया आपके यगण का। अब हम मात्रा कैसे बनाते हैं उसका नियम सीख चुके हैं। तो य माता जो है इसमें य में अस्वर होने के कारण एक मात्रा है, मा में दो मात्रा है और ता में भी दो मात्रा है। तो यगण का जो स्वरूप है वो लक्षण हो गया यमाता, और इसमें मात्रा की दृष्टि से इसका स्वरूप देखें तो य माता एक दो दो। अब इसका अन्य नाम देखते हैं। यगण का अन्य नाम क्या है कि प्रारंभ में इसमें एक लघु है और बाकी दो गुरु है। ये मात्राएं हैं एक लघु और दो गुरु। तो प्रारंभ में यानी आदि में एक लघु है इसलिए इसका नाम आदि लघु भी माना जाता है। उदाहरण देते हैं हम, जैसे एक शब्द है यशोदा, तो यशोदा में य में एक मात्रा हो गई, शो ओ है, ओ दीर्घ स्वर होता है तो दो मात्रा हो गई, और दा, दा भी आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ स्वर गया तो एक दो दो। यानी यशोदा जो शब्द है इसमें कौन सा गण है, यगण है या आदि लघु है। इसी तरह हम आगे समझते हैं मगण, मगण का स्वरूप हो गया मा तारा, मा तारा, तीनों ही आ की मात्राएं हैं तो तीनों ही गुरु मात्राएं हो गई, तो स्वरूप हो गया दो दो दो। क्योंकि तीनों गुरु हैं, तीनों गुरु हैं इसलिए सारे के सारे गुरु हैं, इसलिए इस गण का अन्य नाम हो गया सर्व गुरु। जैसे एक उदाहरण है, शब्द दिया हुआ है आगे देखिए माताश्री, तो माता में म और त में आ की मात्राएं हैं और श्री में बड़ी की मात्रा है, तो आ और ई की मात्राएं गुरु मानी जाती है, इसलिए दो दो दो, माताश्री में दो दो होने से ये सर्व गुरु और माताश्री शब्द में मगण हो गया। तगण देखें तो तगण में है ताराज, ताराज अर्थात दो दो एक। चूंकि इसमें अंत में लघु है इसलिए इसको अंत्य लघु कहा जाता है। जैसे शब्द है आकाश, आ और का में दीर्घ स्वर हैं, दो दो मात्राएं होगी, श में लघु स्वर हैं इसलिए एक हो गया, तो आकाश में हो गया तगण। इसी तरह रगण, रगण का लक्षण हो गया राजभा, राजभा में रा दो ज एक और भा में दो मात्रा, दो एक दो, इसमें लघु मध्य में है, एक लघु है तो इसका नाम मध्य लघु हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द दिया हुआ है भारती, तो भारती में भा दो र एक और ती दो, दो एक दो मध्य लघु हो गया, तो भारती में गण है रगण। फिर हम बात करें जगण की, तो जगण जो है इसका लक्षण होता है ज भान, ज यानी एक मात्रा, भा यानी दो मात्रा, न यानी एक मात्रा, तो स्वरूप हो गया एक दो एक। चूंकि इसमें गुरु एक है और मध्य में है इसलिए इसका नाम हो गया, अन्य नाम हो गया मध्य गुरु। और उदाहरण के रूप में हम एक शब्द देखते हैं अभेद, तो अभेद में अ में एक मात्रा, भे में दो मात्रा और द में एक मात्रा होने के कारण, ये एक दो एक होने के कारण अभेद शब्द में जगण हो गया। अब हम बात करते हैं भगण की, भगण का लक्षण हो गया भानस, दो एक एक। चूंकि इसमें एक गुरु है और वो प्रारंभ में है इसलिए इसको आदि गुरु कहते हैं। भारत जो हमारा देश है, भारत शब्द में जो है पहला गुरु है और अंत में र और त में लघु लघु है, तो इसलिए इसको भारत शब्द में हम भगण मानते हैं। उसके बाद में नगण, नगण का लक्षण होता है न सल, न सल यानी
तीनों में अस्वर है, लघु स्वर है, तो एक 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 सारे लघु हैं, तो इसलिए इसका अन्य नाम नगण का हो गया सर्वलघु। कमल शब्द देखें हम तो कमल में एक 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 मात्रा होने के कारण कमल में नगण माना जाता है। फिर सगण की बात करें तो सगण का लक्षण हम जानते हैं स ल गा, एक एक दो, क्योंकि इसमें एक गुरु है और वो अंत में, इसलिए इसको अंत्य गुरु कहा जाता है। शब्द है कमला, कमला में देखिए क और म में दोनों लघु स्वर होने के कारण एक एक मात्रा हो गई, और ला में आ स्वर यानी गुरु स्वर होने के कारण दो मात्रा हो गई, इसलिए कमला में सगण माना जाता है। तो ये गण निर्धारण होता है, वर्णिक छंदों में हम इसी प्रकार से गण निर्धारण करेंगे। अब देखिए हम भेद पढ़ते हैं। मूलतः आपको पता होना चाहिए कि छंद जो हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंदों का प्रयोग साहित्य में न होकर वेदों में हुआ है। हमारे साहित्य की दृष्टि से लौकिक छंद जो हैं ये महत्वपूर्ण है, लौकिक छंद हमें सीखने हैं। लौकिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, है ना, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं, प्रत्येक छंद में सामान्यतः चार चरण होते हैं, और उन चरणों के लक्षण यदि समान हैं तो मात्रिक छंद का भेद अन्य हो जाता है, यदि असमान हैं तो अन्य हो जाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं चरणों के लक्षणों की समानता या असमानता के आधार पर भेद। तो चरणों के लक्षणों की समानता या असमानता के आधार पर मात्रिक छंद के तीन भेद हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सममात्रिक छंदों की। देखिए नाम से पता चलता है सममात्रिक, सम यानी समान, मात्रिक यानी मात्राएं, यानी चारों चरण जो हैं उसमें मात्राएं एक जितनी हो, एक समान हो, तो वो सममात्रिक छंद होते हैं, है ना। जैसे चौपाई छंद की बात करें तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और यह सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद की बात करें, देखिए चौपाई अलग होता है, चौपाई अलग होता है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है, यह भी सममात्रिक होता है। रोला छंद की बात करें तो रोला में 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, रोला सममात्रिक है। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है तो गीतिका भी सममात्रिक छंद है, और हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है इसलिए हरि गीतिका भी सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद की विशेषता हो गई प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान, चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सब सममात्रिक छंद पाए जाते हैं। अब मात्राओं की संख्या के आधार पर भी सममात्रिक के दो भेद होते हैं। यदि किसी सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में कम से कम एक और अधिक से अधिक 32 मात्राएं हो तो वो साधारण सममात्रिक छंद होता है, और 32 से अधिक मात्राएं होने पर वो दंडक कोटि का सममात्रिक छंद माना जाता है। उसके हम बाद में बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंदों की। देखिए अर्ध सममात्रिक नाम से पता चलता है अर्ध का मतलब आधा, यानी ऐसा छंद जिसके आधे आधे चरणों में मात्राएं समान हो, है ना। आधे आधे चरणों का मतलब हो गया कि कुल चरण होते हैं चार, किसी भी छंद में चरण होते हैं चार, तो दो चरणों में एक जैसी और दो चरणों में एक जैसी मात्राएं, यानी दो दो चरणों की मात्राएं समान होती है लेकिन चारों चरणों की मात्राएं समान नहीं होती, तो ऐसे छंद अर्ध सममात्रिक कहलाते हैं। जैसे दोहा, तो दोहा छंद जो है ये अर्धसममात्रिक माना जाता है क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 जो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं मानी जाती है। दोहे का ठीक उल्टा होता है सोरठा छंद। सोरठा छंद जो है
तो दोहे से विपरीत यूँ है कि दोहे में पहले और तीसरे विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, जबकि सोरठे में 11 और दोहे के सम चरणों में दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठे में दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं, ठीक दोहे के विपरीत, विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। उसके बाद में है बरवे छंद, इसको ध्रुव या कुरंग छंद भी कहते हैं। पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं। इसी तरह उलाला छंद, उलाला छंद के पहले और तीसरे में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। तो ये दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला छंद जो है ये अर्धसम मात्रिक माने जाते हैं। हालांकि उलाला छंद का एक भेद सम मात्रिक में भी आता है, चूँकि ये पाठ्यक्रम में नहीं है आपके, इसलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। समस्त चरणों में जब असमानता हो तो वहां विषम मात्रिक छंद होता है। देखिए हमने पढ़ा छंद के भेद, छंद के दो भेद हो गए, वैदिक और लौकिक। वैदिक छंद, छंदों का प्रयोग वेदों में किया गया। फिर हम बात करते हैं लौकिक छंद। तो लौकिक या सांसारिक साहित्य में जो छंद प्रयुक्त होते हैं वो लौकिक छंद कहलाते हैं। लौकिक छंद के दो भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक, है ना। मात्रिक छंद वे जिसमें मात्राएं अनुशासित होती है, वर्णिक छंद वे जिसमें वर्ण और गण अनुशासित होते हैं। अनुशासित का मतलब स्थिर होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं, चरणों में मात्राओं की समानता या असमानता के आधार पर तीन भेद हो गए, सम मात्रिक, असम मात्रिक और अब है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक अर्थात जितने भी चरण हैं उनमें असमानता होना, न तो चरण चार होते हैं न ही चरणों के लक्षण समान होते हैं। तो कैसे हम देखते हैं, विषम मात्रिक छंदों में दो प्रमुख छंद हैं, छपय और कुंडलियां। कुंडलियां छंद आपके पाठ्यक्रम में है। छपय और कुंडलियां में सबसे पहली बात तो छः छः चरण होते हैं, जो कि एक असंगति है, क्योंकि चरण में सामान्यतः, छंद में सामान्यतः चार चरण होते हैं, लेकिन विषम मात्रिक छंदों में चरण चार से अधिक यानी छः पाए जाते हैं। अब छपय जो छंद है ये दो मात्रिक छंदों से मिलकर बना है, रोला और उलाला से। रोला और उलाला, रोला हमने पढ़ा सम मात्रिक छंद होता है, चार चरण होते हैं। उलाला अर्सम मात्रिक छंद होता है, दो चरण होते हैं। रोला और उलाला मिलकर छपय बनता है। और कुंडलियाँ, ये भी विषम मात्रिक छंद है, छः चरण होते हैं। दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। दोहा अर्धसम मात्रिक है और रोला सम मात्रिक है। दोहे के दो चरण और रोला के चार चरण मिलकर छह चरण कुंडलिया के बनते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णिक छंदों की। देखिए वर्णिक छंद पहले तो कहते किसे हैं, मात्रिक छंद तो वे होते हैं जिनमें मात्राएं अनुशासित होती है ना, मात्राओं का एक नियम होता है, मात्राएं नियमानुसार होती है। वर्णिक छंद वे होते हैं जिनमें वर्ण और गण जो है अनुशासित होते हैं। वर्णिक छंद भी इसी तरीके से, जैसे मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक, उसी तरीके से वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के हो गए, समवर्णिक, अर्धसम वर्णिक और विषम वर्णिक। समवर्णिक सम मात्रिक की तरह होते हैं। समवर्णिक में चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है और सम मात्रिक में चारों चरणों में मात्राएं समान होती है। समवर्णिक छंदों में जैसे हम बात करें, द्रुत विलंबित आपके पाठ्यक्रम में है, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और गण भी निश्चित होते हैं, चार गण होते हैं, नगण, भगण, भगण, रगण। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले गण समझाया था कि एक गण तीन वर्णों का समूह कहलाता है, तो नगण के तीन वर्ण हो गए, इसमें चार गण है, न, भ, भ, र, तो नगण, भगण, भगण और रगण चार गण हो गए। एक गण में तीन वर्ण तो चार थ्री, चार को तीन की गुणा करें तो 12 वर्ण आते हैं। उसी तरीके से मालिनी 15 वर्ण का, न, न, म, य, य, बसंतिलका 14 वर्ण का, म, भ, न, त, त, सवैया 22 से 26 वर्ण, कवित 31 वर्ण। तो इस तरीके से कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं।
कवित छंद समवर्णिक छंदों में थोड़ा भिन्न है। अन्य जो वर्णिक छंद हैं उसमें वर्णों के साथ साथ गण भी स्थिर होते हैं, गण भी निश्चित होते हैं, लेकिन कवित में केवल वर्ण ही निश्चित होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हो तो कवित छंद माना जाता है, लेकिन गण स्थिर नहीं होते। अब प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर भी वर्णिक समवर्णिक छंदों के दो भेद हैं। तो है साधारण, यदि 26 वर्ण किसी चरण में हो, 26 वर्ण, तो वह साधारण समवर्णिक छंद माना जाता है। जैसे हमने ऊपर अभी देखे आपके द्रुत विलंबित, मालिनी, बसंत तिलका, सवैया, इसमें अधिकतम 26 वर्ण होते हैं, इन चारों में 12 से लेकर 26 तक वर्ण, तो ये सब साधारण समवर्णिक छंद माने जाते हैं। जबकि 26 से अधिक वर्ण हो तो वो दंडक कोटि का समवर्णिक छंद माना जाता है। जैसे कवित, कवित में 26 से अधिक वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 होते हैं, अब देखिए वर्णिक छंदों का दूसरा भेद है अर्ध समवर्णिक। आधे चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, जैसे वियोगिनी छंद जो है वो अर्ध समवर्णिक माना जाता है, ये पाठ्यक्रम में नहीं है आपके। विषम मात्रिक वर्णिक छंद देखें तो जितने भी चरण हैं उसमें वर्णों में असमानता हो, जैसे उपजाति सवैया, ये विषम मात्रिक वर्णिक छंद माना जाता है। अब यदि वर्णिक छंद में गण और वर्ण निश्चित हो तो ऐसे वर्णिक छंद गणबद्ध माने जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़े द्रुत विलंबित, सवैया, मालिनी, वसंत तिलका, ये सब गणबद्ध छंद हैं। लेकिन वे छंद जिसमें केवल वर्ण निश्चित हो, गण निश्चित नहीं हो, वे मुक्तक कोटि के वर्णिक छंद माने जाते हैं। जैसे कवित, कवित में गण निश्चित नहीं होते। तो आज की जो कक्षा है हमारी वो इस बात पर आधारित रही कि गण किसे कहते हैं, गणों का निर्धारण कैसे होता है, गण के कितने भेद हैं, किसी शब्द में गण का निर्धारण हम कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़े छंद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और छंद के कौन कौन से भेद हैं। फिर मात्रिक छंद के कौन कौन से भेद हैं। फिर हमने पढ़े वर्णिक छंदों के कौन कौन से भेद हैं। तो आज जो ये कक्षा है इसका असाइनमेंट मैं आपको इस क्लास के साथ ही देना चाहता हूँ कि आपको ये सारा एक बार सुनकर पढ़कर और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे आपको मैं कुछ प्रश्न लिखवाता हूँ, ये लिख लीजिए। एक तो पहला प्रश्न हो गया कि भी छंद किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके हो गया कि गण किसे कहते हैं, गण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। गण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर छंद किसे कहते हैं, छंदों के भेद बताइए। उसके बाद में चौथा प्रश्न आप लिखिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंदों के भेद लिखिए। और अंतिम पांचवा प्रश्न आपके हो गया, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंदों के भेद लिखिए। ये आपका होम असाइनमेंट है, गृह कार्य है, जो आपको कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप पर प्रेषित करना है। शुक्रिया।